अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ पे सुबह उठ के नाश्ता वगैरह किया, मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग लाया कि मैं ज़्यादा से बातें भी करती जाऊंगी आप लोगों से। और काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि मेरा दिल भी नहीं था। और मेरी बड़ी बहन है, उनके हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक, तो बस दिल नहीं कर रहा था। ये मैंने काफ़ी दिन पहले शॉपिंग की थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ व्लॉग में। और व्लॉग भी दिल नहीं करता शूट करने का। और काफ़ी मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने कहा कि नहीं आप आया व्लॉग बनाया कीजिए, हम वेट करते हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा। तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं बना सकूँ व्लॉग। तो ये शॉपिंग करके मैंने नहीं बनाया था व्लॉग, तो मैंने बस दिखाया आप लोगों को। और हालांकि शॉपिंग करते हुए मैं बना सकती थी वीडियो, लेकिन मेरा दिल नहीं था बिल्कुल भी ना। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी बहन के जो हस्बैंड हैं वो ठीक हो जाएं, बस दुआओं की बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। और यहाँ पे शॉपिंग की थी, आपको पता है जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो बस अभी सर्दियाँ आने वाली हैं। कराची का मौसम तो इस तरह का हुआ है, कभी सर्दी कभी गर्मी ना, तो इसलिए मैंने लाया के लिए शॉपिंग कर ली थी पहले से। और बस आप लोगों को इतना कहूँगी कि आप लोग अभी दुआ कीजिएगा मेरी बहन के हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा, अपनी हर दुआओं में उनको याद रखिएगा। और आज अम्मी के घर में हमारी बहुत बड़ी दुआ रखवाई अम्मी लोगों ने मेरी बहन के हस्बैंड के लिए ही, तो बस दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड कर सकूँ आप लोगों के लिए। मेरा दिल ही नहीं था, काफ़ी दिन से हमारे फैमिली मेम्बर की तरह है जाहिर है, तो हम लोगों को बहुत अजीब सा ही मतलब दिल हुआ हुआ था ना, तबीयत ठीक नहीं है, सोच कर ना दिल नहीं करता था बिल्कुल भी। अच्छा मेरी बर्थडे भी करीब थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया ये सूट, और ये बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा सूट था। इसके बाद मैं अपने काम वगैरह करके अपने घर का रूम वगैरह साफ वगैरह किया, खाना वाना बना के मैं चली गई थी अम्मी की तरफ। और मैं नया का खाना बना के लेके आई थी घर से, अपने ससुराल से, या मैं दलिया बना के लेके आई थी अलाया के लिए, जल्दी जल्दी मैंने गर्म किया और मैंने दलिया वगैरह खिलाया। और मेरी सिस्टर जो है अपने हस्बैंड के लिए अनार छील रही थी, क्योंकि इनको सख्त परहेज़ का है डॉक्टर ने ना नमक खानों में और इस तरह ना, तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा ख्याल करती है। बस वो जब हर कोई टेंशन में ही है घर में भी, और मेरी सिस्टर भी बहुत टेंशन में। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। और यहाँ पे हमारे घर में अम्मी लोग के घर में व्रत भी रखा था अम्मी लोगों ने, तो ये व्रत पड़ रहे हैं सब। और इसके बाद खाना वगैरह लगाएंगे। और आपको पता है जैसे दुआ है बहुत ताकत होती है, हम आपस में मिले ना मिले बस एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए आप लोग, कि अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। और सेहत बहुत बड़ी नेमत है, सेहत होती है ना तो इंसान बहुत मतलब ठीक रहता है हर लिहाज से। और यहाँ पे बस हम लोग तैयारी कर रहे थे खाना लगाने की, और मेरी सिस्टर ने खुद सारे खाने बनाए थे शुरू से लेकर एंड तक, हर चीज़ मेरी सिस्टर ने की, खाना बनाया, किचन समेटना, बर्तन धोना, हम लोग तो बोलते रह गए लेकिन उन्होंने नहीं सुना, सब उन्होंने खुद किया। खाने बहुत मज़े के बनाए थे बहुत दिल से, क्योंकि दुआ काफ़ी बड़ी होती है ना, 2 से 2.5 घंटे की दुआ होती है। तो फिर अम्मी लोगों ने बहुत अच्छा इहतमाम किया हुआ था माशाल्लाह से, पाए बनाए थे, बैंगन बनाए, सब मेरी सिस्टर ने जिनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है उन्होंने सब कुछ किया। और बहुत बहुत मज़े के खाने बनाए थे माशाल्लाह से। और बल्कि हाँ ये पुलाव जो है मेरी खाला ने बनाया था बस, बाकी तो सब खाने मेरी सिस्टर ने बनाए थे, बहुत मज़े के बनाए थे माशाल्लाह से। जितना उन्होंने दिल से तमाम किया दुआ के लिए, बस परवरदिगार उनके हस्बैंड को जल्द से जल्द ठीक कर दे। और यहाँ पे सब बस खाना खा रहे थे, और मैं आपको दिखाऊंगी, लोग देखें आप करीब से, ये पाए बहुत मज़े के थे, मैं घर पर उसे पाए लेके आई थी, ये मुझे बहुत पसंद है बहन के हाथ के पाए। अच्छा जी, तो इसके बाद मैं आ गई थी अपने घर वापस, और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जो सूट मैंने दिखाया था आपको आगे व्लॉग में, पीछे व्लॉग में दिखाया था मैंने आपको सूट मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, मैंने स्टिच करवा दिया था, स्टिच करके एक दिन में ही वो आ गया था। और माशाल्लाह से बहुत प्यारा चला था सूट, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहन, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। और मेरी बर्थडे हालाँकि अभी दूर है, लेकिन मेरी सिस्टर्स ने मेरे मुझे गिफ्ट्स दे दिए हैं, और थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा लगा मुझे सूट ये, थैंक यू सो मच अगेन। और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे गिफ्ट ड्रेस, तो मैंने ये भी स्टिच करवा लिया था, बहुत सिंपल कपड़े पहनती हूँ मैं,
मुझे बिल्कुल भी कपड़ों में चटक पटक नहीं पसंद, और बिल्कुल सिंपल पहनती हूँ। और जो टेलर है मेरा, माशाल्लाह से कपड़े बहुत अच्छे सीता है, और उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस तरह बताओ वैसे सी देते हैं कपड़े ना। और इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको, आगे मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑनलाइन शॉपिंग की थी, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। या मैंने स्माइल फ्रीज अपने हस्बैंड के लिए शर्ट मंगवाई थी, इनका स्टफ बहुत अच्छा होता है, और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि इस वक्त होता है विंटर्स आने वाले, मेरे हस्बैंड को शॉपिंग करने जाते ही नहीं है, उनके पास तो टाइम नहीं होता, तो मैंने ऑनलाइन उनके लिए टोपे शोपे मंगवाए थे। अगर पता सर्दी आने वाली है तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने इनके लिए, समझ नहीं आया था क्या मंगवाऊँ, दो टोपे मंगवा लिए, एक वॉलेट मंगवाया मैंने, और उनको बहुत पसंद आया। होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।